शामी, दिस इज द गाय शामी, आपने उसको बेंच पे बैठाया, उसे चढ़ गया गुस्सा। वो कह रहा है भाई साहब आई एम मोहम्मद शामी, आई एम द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड व्हेन इट कम्स टू यूजिंग द सीम ऑफ द बॉल। तो सीम का इस्तेमाल करने वाला दुनिया का बेहतरीन बॉलर शामी बेंच पे बैठा के पका रहे थे। बेंच पे बैठे बैठे वो इतना तंग आ गया, उसने कहा बस एक मौका मिले जरा बस, फिर वो हार्दिक पांड्या का वो जो भी बेचारे की वो होगी इंजरी, तो मौका मिल गया शामी को। पिछले मैच में 5 और आज भी ऑन हैट्रिक भी था, और आज के मैच में 4, ही वॉज वेरी क्लोज टू टेक अनदर वन, वो विक्ट्री खत्म हो गई। तो ये है मोहम्मद शमी। तो आप स्पेशलिस्ट के साथ जाएंगे या फिर आप खुद समझ जाना किसके साथ जाएंगे। बुमराह द मेन मेन डिस्ट्रॉयर फॉर इंग्लैंड, ऊपर से जो विकेट निकाल के दे बॉलर वो होता है, वही बॉलर है जो ऊपर से निकाल के दे विकेट, एंड बुमराह इज दैट बॉलर फॉर यू, ही इज अमेजिंग। है मोहम्मद शमी, ठीक है, बुमराह की तो एक आदत सी है कि मैं शुरू में लूंगा, शुरू में भी ले लेता है, बहुत ज्यादा ले लेता है, इतनी ले लेता है कि उसके बाद फिर कोई और ले, बॉल भी नहीं खेलने, जो रूट को जो उसने LBW किया है, क्या बेहतरीन उसने ताड़ा के, ये शफल करता है, नया बैट्समैन है और ये शफल करता है, होमवर्क बेस विकेट थी वो, जो रूट जा रहा था बैरिस्टो ने उसको जुतिया बनाया कि यार आउट नहीं, रिव्यू लेके जाया करके, जॉनी बैरिस्टो की तरह, नहीं जॉनी बैरिस्टो से मेरी दरखास्त थी आज, उसने बहुत गेंदे भी रोकी थी, मैं चाहता था वो वाली इनिंग खेले जो उसने घर में टेस्ट में खेली थी, जिसके बाद बहुत से घंटे के फैंस पागल और दीवाने हो गए। ये तो एक आदमी था क्रिस स्टॉक्स, और अभी नहीं स्टॉक्स जिसका मैं बता रहा हूं, फॉर्मर इंग्लैंड प्लेयर है, इसके अलावा और भी, ये तो इयन मॉर्गन की मैंने आपसे बात शेयर की है, जो बैठा हुआ कह रहा है स्काई स्पोर्ट्स पे कि यार कुछ ना कुछ अनसेटल जरूर है टीम के अंदर। अबे ये अनसेटलपन तुम्हें टीम जब अनाउंस हुई थी, जब स्क्वाड अनाउंस हुआ था, जब तू नजर आ रहा है, तू ही चला रहा है टीम, अब सुन ले मॉर्गन, तू ही टीम चला रहा है भाई, जेसन रॉय तेरी वजह से बाहर हुआ है। अबे इतना मैच अनसेटल टीम कैसे हो सकती है भाई, नासिर हुसैन वगैरह ने खुद इंकशाफ किया है कि वो इन मॉर्गन से मशवरा हो रहा है, दूसरे धंधे में जो ये लोग लगते हो यार, तुम खिलाड़ी हो गए बहुत अच्छे, पाकिस्तान में भी हमारे यही चल रहा है, जब टीम की स्किल्स नहीं दिख रही तो दूसरी बातें आ रही है, ये लड़के, अब नई खबर चल रही है, ये लड़के खुद ही नहीं जीतना चाह रहे थे, अभी कुछ अभी जब मैं आपके सामने बैठा हूं, थोड़ी देर पहले पीसीबी से अलामिया आया है कि पिछले बोर्ड ने प्लेयर्स को लीग खेलने की एनओसी दी, इसलिए अहम खिलाड़ी लड़कों का फिटनेस लेवल वर्ल्ड कप में अच्छा नहीं आया, तो ये बात तो हम भी चीख के 2 महीने से कह रहे थे कि वो घटिया टके की श्रीलंकन प्रीमियर लीग क्यों खिलाई, खुसूसन नसीम चाह को, आप समझे नहीं, ये उन बेरहम चीजों के ऊपर डाल के खिलाड़ियों को बचा रहे, देखिए यार फिटनेस नहीं थी, फिटनेस नहीं थी, अबे इनका खेल पूरा नहीं था, फिटनेस गई तेल में, खड़े चक्के तो मार लेते, फिटनेस तो पता नहीं कौन कौन है दुनिया का, वो तो शोएब मलिक भी फिट बैठा हुआ है, फिट तो मिस्बा भी बैठा हुआ है, वो तो जान पूछ के तुमने रिटायरमेंट ले ली उसे, फिट तो ना जाने कौन कौन, अबे फिटनेस से थोड़ी खेल जीता जाता है, कोई गेम होगा तो जीत, गेम ही नहीं है उनका, ये बताओ, गेम होना चाहिए, गेम होगा तो जीतोगे ना, ये इंग्लैंड का मसला है, फिटनेस तो गई तेल लेने इनकी, अबे गेम में नहीं है पूरे, वो यहाँ पर अनसेटल होता क्या, अनसेटल का मतलब ये, एक और मैच इसकी भाई जिसमें इंडिया की बॉलिंग छा गई, मैंने आपको आज एक छोटा सा कैलकुलेट करके बताया था कि इंडिया की बैटिंग की हाई पे और मजा भी आ रहा है आपको जब वो चेस कर रहे हैं, लेकिन अगर आप नोटिस करें अहमदाबाद में भी बिलो पार रन पे पैक कर दिया पाकिस्तान को, बहुत ही कम रन थे 191, तो इंडिया ने वो ये कहां कल मैच हुआ है, धर्मशाला नहीं लखनऊ में, न्यूजीलैंड के खिलाफ भी 310-320 रन थे न्यूजीलैंड के, पर जो कमबैक कराया वही शामी के 5 विकेट जहां से आए बाद में, और कुलदीप ने वहां पे जो वो शहर तोड़ा 2 विकेट लेके नए आने वाले फिलिप्स और उसका वो तो आज तो बस छोड़े उसको, 16 रन दिए है किसने, जडेजा ने भी तो विकेट लिया, अब क्रिस वोक्स देखे गया कि तू क्यों खाली बैठा है, तू भी ले ले क्रिस से बाहर आया, एक तो शहीद, नहीं बॉलिंग में उसको मैं कुछ नहीं कहता यार, मेरा पर्सनल मसला थोड़ी है, क्रिकेट की बात है, जो सही है वो बताएंगे, मगर आज का चाचा मोमेंटम जो था ना आपका भाई शामी अनबिलेबल हुआ हुआ था, मैं बता रहा हूँ वो 9-10 विकेट भी ले सकता था, जिस तरह की बॉलिंग, अब 6 तो है इस मैन स्ट्रोक के बच्चे, इसे कहते हैं मैच फिटनेस, इसे कहते हैं कि टीम को इस उम्र में उस वक्त और कमबैक जब कराया रोहित ने, कि मुइन चाचा आउट कर, तो चाचा ने अपना ही चाचा आउट किया। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों भारत ने इंग्लैंड को हराकर लगातार 6वीं जीत दर्ज की। आज जब भारत ने बैटिंग की तो ऐसा लग रहा था कि भारत ने 20 या 30 रन कम बनाए, जिस समय सूर्य कुमार यादव आउट हुए, अगर वो ना आउट होते तो भारत हो सकता है 250 रन बना ले जाता, लेकिन जिस तरह से भारत के गेंदबाजों ने गेंदबाजी की, कमाल की गेंदबाजी की, मतलब इंग्लैंड को मैच में वापस आने ही नहीं दिया। जिस तरह से जसप्रीत बुमराह ने वो लगातार 2 विकेट लिए, उसके बाद समी अहमद ने लगातार जो 2 विकेट लिए उसे इंग्लैंड बैकफुट पे चला गया और दोबारा गेम में कभी वापस आ ही नहीं पाया। दोस्तों अब कभी कभी लोग ये कहते हैं कि जो टैलेंट है रोहित शर्मा विराट कोहली का, तो बैटिंग की टेक्निक कभी कभी लोग रोहित शर्मा की ज़्यादा आंकते हैं विराट कोहली से भी, क्योंकि आज आपने देखा कि एक कठिन बैटिंग पिच पे किस तरह से रोहित शर्मा ने बल्लेबाजी की। मैं पाकिस्तानी मीडिया देख रहा था, उनमें लोग खुशियाँ मना रहे थे जब भारत 229 रन पर ऑल आउट हो गया,
ऑल आउट हो गया, ओवर खत्म हो गया, भारत ने केवल 229 रन बनाए। तो पाकिस्तानी मीडिया काफी मजा ले रहे थी, वो कह रहे थे अब ऊंट पहाड़ के नीचे आया, अब देखते हैं भारत कैसे जीतते हैं जो हमारी हार पे इतना मजा ले रहे थे। तो आज इस वीडियो में देखते हैं कि किस तरह से भारत की जीत के बाद पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन आता है, और इस वीडियो में आप पूरा बने रहिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। मैं अपने समेत दुनिया की हर बंदे को मुखातिब कर रहा हूं जो क्रिकेट पर बोलता है, यार एनालिसिस ये क्या होता है कि इंडिया हार जाए, इंडिया तो उसमें जीत गया अभी मैच, अब करो, अब बायस नहीं अनबायस एनालिसिस करना चाहिए। वी शुड अप्रिशिएट, वी हैव टू स्टैंड एंड एडमायर देयर एफर्ट्स के 230 रन पर मॉडर्न डे क्रिकेट में, मॉडर्न डे टीम जिसका आज बाउंस बैक का सबसे आखिरी वक्त था, जिसको सोए हुए शेर की तरह जागी थी, तो आज आप लोग अपलोड करें खड़े होकर कुशादा दिल से बॉलिंग को। और मैं तो आपको देखे, सबकी अपनी राय, कोई पहले देखता है कोई बाद में देखता है, मैं ये थोड़ी कहूंगा कि आप देखकर बता रहे, मैं पिछले 1.5 साल से बसे तू कि बुमराह अंदर ले आओ, इंडिया की बॉलिंग सबसे बेस्ट है। अक्रॉस दी फॉर्मेट का वर्ड बोलते हैं आप लोग, मैं बोलता हूँ अक्रॉस ऑल कंडीशन, अक्रॉस दी कंडीशंस, जब तक हम शो कर रहे हैं, इस बॉलिंग को ऑस्ट्रेलिया में ले जाओ, इसको साउथ अफ्रीका में ले जाओ, और फिर दीगर बॉलिंग को पूरी दुनिया में घुमाओ, ये एशिया में भी कर लेती है कुछ ना कुछ, बाहर भी कर लेती है। अब एक एक मैच की बेस पर लड़कों को ट्रॉल करना, भाईजान आप एक बार बताएं, आज के सिफर पर विराट कोहली को ट्रॉल किया जा सकता है? अगर विराट कोहली नहीं होता तो आपका वर्ल्ड कप का आगाज बहुत बुरा होता, अगर राहुल नहीं होता, नहीं क्या करोगे? नहीं नहीं करो ना, मैं कह रहा हूं करो ना। इंडिया की जीत में कोहली ने हिस्सा डाला, राहुल ने डाला, बुमराह ने डाला, शामी अंदर आया उसने भी डाल दिया, सही है, और रोहित शर्मा ने जो आज डाला है मेरा ख्याल से वो निकलेगा नहीं। मैंने कहा ना कि हम लोग जो अंदर वाला डाला है ना, मतलब फैन सोच, भाई हम पहले फैन ही हैं, पर ये कि एनालिसिस और फैन में फर्क क्या होता है भाई? बहुत सी आप इनिंग्स देखते हैं 150 रन की, बड़ी प्लीजिंग लगती है, बड़ी मजे की लगती है। अच्छा, फिर कल ट्रेवर्स हेड और रचिन रविंद्रा का 100 आया, मैं सॉरी छोटे प्लेयर ले रहा हूँ क्योंकि मिसाल अभी मुझे वर्ल्ड कप में से देनी है, 300 आया ट्रेवर्स हेड का, बहुत 67-68 पता नहीं। लेकिन बात यह है कि जिस कॉन्टेक्स्ट में रोहित शर्मा ने ये 80+ रन किए हैं, 85-84 जितने भी, आप समझ ही नहीं रहे जिस विकेट पे, और दिन में ये रात में बेहतरी थी मान लो, क्योंकि ओस आ जाती है, क्लाइमेटिकल कंडीशन चेंज हो जाती है भाई, ये बहुत बहुत बड़ी अपने मिजाज के खिलाफ जाके जब 3-4 विकेट उसके सामने गिर गई, अपने आप को रोक कर समेट कर, और शॉर्ट फॉर मी शॉर्ट ऑफ द टूर्नामेंट अब तक का आज लगा है, और ना वो छक्का है ना वो छक्के गई है, वो जो लिविंग स्टन को निकल के चिप की है, अब वो जिस जो मैच देख रहा होगा वो मेरी बात से सहमत होगा, इत्तेफाक कर लेगा कि मैं क्यों उसको शॉर्ट ऑफ द टूर्नामेंट कह रहा हूं। अबे पहली बात, जब बंदे ने पिछला बॉल इतना ब्रेक हुआ है तो उसके पास दोबारा जिगरा था कि मैं फिर आगे बढ़ूं और इस बार मैं आगे से पकड़ के फ्लिक कर दूंगा, ब्रेक नहीं होने दूंगा। ये जिगरा बहुत बड़े बड़े नाम है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहता हूं मैं, किसी के पास नहीं है, उसने चिप किया, उसे पता था मारना नहीं है वरना ब्रेक हो जाएगा, वाइंड अप करूंगा तो बच जाऊंगा, खड़ी हो जाएगी। रोहित शर्मा ने आज जो कैलकुलेटेड बैटिंग की है यार, मैं सलाम करता हूँ उसी से लड़े हैं। और रोहित शर्मा अपने आप को मुश्किल में डाले हुए हैं फ्री रोल लेके, लेकिन ये आज उन्होंने अपनी नेशन को या अपने क्रिकेट फैंस को जो चाहते हैं पूरा रोल दिया भाई। हम भी तज्जिया करते हैं, पर हम क्या ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान अच्छा करे। हाँ, स्ट्रेंथ हमें पता है तो वो बताते रहते हैं कि स्ट्रेंथ नहीं है इनकी, क्योंकि थोड़ा से ग्रुप के मामला थे, फिटनेस के मामला थे, गेम में वापसी थी इंडिया की बैटिंग में। तो इंग्लैंड की अगर आप बैटिंग देखें तो 8 नंबर पे क्रिस वोक्स आ रहा है, आप अंदाजा लगा लीजिए 8वें नंबर पे आता है, यानी कि 8 नंबर तक बल्लेबाज है उनके पास, और सारे वाले जिनके बारे में मशहूर है कि अपने रन पूरे मारते हैं, और यानी कि टीम के रन ये अब इंग्लैंड जाएंगे वहां मारेंगे 40 ओवर में। अच्छा, अब मसला ये है कि अब आपको गेम में ला कौन सकता था? बॉलिंग जेसन रॉय ला सकता था। अच्छा, बॉलिंग पे वासी ने बताई दिया, अहमदाबाद के अंदर ये मौका ले चुके हैं, अहमदाबाद में सब जगह बॉलिंग बिलो पार रिस्ट्रिक्ट कर रही है। सबसे अहम चीज क्या थी कि आप बड़ी टीम के अगेंस्ट बोलिंग कैसी, यानी कि पाकिस्तान के अगेंस्ट जो बोलिंग थी, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो बोलिंग थी, अब यहां पर अगर आप आ जाएं, यहां पर बोलिंग ही का कमाल था। अच्छा, बोलिंग में आपके स्पेयरहेड कौन थे? बुमराह, शामी, सिराज तो आजकल का बच्चा है ना यार, वो तो इन दोनों की गैर मौजूदगी में स्पेयरहेड होता है। अब इन दोनों के बीच में तो सैंडविच कौन है? सिराज। उसके अलावा किससे परफॉर्म करना है? कुलदीप ने। कुलदीप आपका कौन है? रिकॉग्नाइज, पता है कि कुलदीप इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्पिनर है, मुश्किल मैचेस में वो आपको विकेट देगा जहां पर रन आपने कम डिफेंड करने होंगे। तो बॉलिंग ने आज कंप्रोमाइज किया, सीधी सी कहानी है। शामी ने वो वाला स्पेल किया जो वो पता था कि मैं खुरचंद के इस टाइम के ऊपर हूं, आखिरी वर्ल्ड कप है मेरा अगर इंपैक्ट नहीं है तो फिर मेरा टीम में रहना बेकार है। यानी कि उसने मैच फिटनेस मैच जिस मैच में उसको मौका मिलेगा वो परफॉर्म करेगा। इससे पहले वाले मैच में भी उसी शामी को मौका मिला था और उसने परफॉर्मेंस दी थी। यहां पर भी शामी ड्यू था, उसको पता था कि उसको खिलाने का मकसद ये कि मैंने विकेट निकाल के देनी है। रन भी ऐसे थे जो कम थे, इंग्लैंड ने कोशिश अच्छी करी, इंग्लैंड ने जब तक हम बैठे रहे 24 रन मार चुके थे वो, यानी कि मैं सोच रहा था कि वहां तक जाने में अगर 5-7 मिनट लग गए तो पता नहीं इंग्लैंड कितने मार देगा। वो तो अच्छा वो शो टाइम पे बंद कर दिया, बैठे रहते तो यार मारते रहते। और उसके बाद शामी ने गेम को एक तो बुमराह को आप समझे नहीं, सिराज
आज उस लेंथ पे बॉल नहीं कर पा रहा था, मगर बुमराह को कॉम्प्लीमेंट किसने दिया? शामी ने दिया ना, उसने बोला कि अच्छा तू लेगा एक एंड से मैं भी लूंगा। अच्छा फिर वो शामी को आपने चेक किया होगा कि सिराज ने मिस फील्डिंग अच्छा भी किया, बैड डे था उसका, अराउंड द विकेट ओवर द विकेट उसको पता होता है, आराम करा दे, आराम करा दे सिराज को एक आधा दिन। दूसरा ये गेम पढ़ के कहां जा रहा है, ये सबसे ज्यादा सेंस शामी के अंदर है, इवन बुमराह के अंदर भी है। बुमराह क्योंकि डिफरेंट स्टाइल ऑफ बॉलर है, इतना बॉलिंग किसी भी विकेट पे देख के आपको ये नहीं लगेगा मरीज बॉलिंग कर रहे हैं जी। स्पीड 140 आती है इनकी, 148 बॉल ऑफ द विकेट निकलता है ना, वो होती है कमर लगना। कल से मैं कह रहा था इस मैच की घबराहट है, उसकी वजह ये कि बड़ा मैच था ये दोनों टीम। अरे यार कोई घबराहट नहीं है, साफ बोल देते हैं यार, हमें एक फीलिंग आ रही थी कि आईसीसी इंग्लैंड को ऑफिशियली बाहर अंदर रखेगा, जाओ बस समझ जाओ, इसके बाद तजिया ही करेंगे, ठीक है। एक फीलिंग ये आ रही थी, लेकिन ये आज उन लोगों को जवाब मिल गया होगा जो कहते थे कि 170 रन बनाए थे और कोई विकेट नहीं गिरी थी। और मैंने आपको 3 दिन पहले एक राय दी थी कि इंडिया को इनसे बहुत गुस्से में खेलना चाहिए, यही तो टीम है जिससे बदला लेना है आपको। इन्होंने आपका T20 वर्ल्ड कप रोका है भाई, इन्होंने आपका T20 वर्ल्ड कप रोका है, मे बी आपके हाथ में वो ट्रॉफी भी आ जाती, आपको मालूम है T20 वर्ल्ड कप आपका रोका है इन्होंने 10 विकेटों से शिकस्त देके। तो आपके पास तो कोई सॉफ्ट कॉर्नर होना नहीं चाहिए था, और आज आपको बॉडी लैंग्वेज देखते हो और हर आउट पे विराट कोहली सिर्फ रोहित शर्मा से गले मिल रहे हैं, उन्होंने बोला मैं सिर्फ तुमसे गले मिलूंगा, एक्सक्लूसिव कर दिया उन्होंने, गले मिलने मुझसे वही आएगा जो कप्तान होगा, बस इसके अलावा कोई नहीं मिलेगा। ऐसा लगा बाकी बच्चों से ताली मार रहे, जरा बच्चे आज डरते हैं, रोहित से नहीं डरता, आउट करता ना बड़ी सेमी सी ताली मारता है।